दो ही मेयर के 8-10 हो गए नहीं मेयर के तो अन्य सौरभ अमीर में नहीं है कांग्रेस को भी अन्य से ज़्यादा दूसरी को दिख जाएगी करने का मौका मिलेगा नहीं उन्होंने भी ठीक बात कही शक्ति लोग तो काम करना हेलो हाँ जी हाँ हाँ तो यार अपन जो है एक घंटे बाद लगा लो आप अपने बात कर लेते हैं ना ठीक ठीक नहीं आप जिस पद पे पहुँचे हो सारे लोगों की मदद आप कर सकते हो हाँ और सारा काम पूरे शहर समग्र में मदद करने का एक नमस्कार संस्कार धानी से शुरू हुए चर्चा चौक के विशेष कार्यक्रम कॉफी हाउस विचार मंच पर एक बार फिर हम आपके सामने हैं। आज हमारे बीच में हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नगर निगम को 5 साल बेहतर तरीके से संचालित करने वाले नगर निगम के अध्यक्ष और बेहतर संगठक जो संगठन को भी बेहतर तरीके से चला रहे हैं महामंत्री के पद पर हैं भारतीय जनता पार्टी के राजेश मिश्रा जी। राजेश मिश्रा शहर विकास पर इस मंच पर अपने विचार साझा कर रहे हैं आज हमारे बीच में हैं राजेश मिश्रा। मिश्रा जी आपका बहुत स्वागत है कॉफी हाउस विचार मंच में समय देने के लिए। हम इस विचार मंच के माध्यम से एक विज़न को लोगों के सामने लाना चाह रहे हैं कि जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं चाहे वो नेता हों चाहे अधिकारी हों कि कैसा विकास होना चाहिए और क्या विजन होना चाहिए क्या एक नेता के मन में होता है कि हमारा शहर कैसा हो किस तरह से उसे आगे जाना चाहिए। पिछले 25 सालों से आप राजनीति कर रहे हैं नगर निगम में 20 सालों से हैं विभिन्न पदों पर रहे हैं अध्यक्ष पद भी रहे हैं मेयर एंड काउंसिल भी रहे हैं सामान्य विधायक पार्षद के रूप में भी कार्य किया है। तमाम अनुभव हम जानना चाहते हैं कि हम कहाँ शहर को ले गए क्या कमी कोई रह गई है या नहीं रह गई आपके मन में क्या कल्पना है। वर्तमान में जो विकास का ढांचा तैयार किया जा रहा है वो पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा हो ऐसा विकास अब जरूरी है क्योंकि जो भी विकास हुआ सड़कें और नाली से विकास नहीं होता है। सड़कें नाली तो जो भी आएगा जिसके पास राजस्व अधिक होगा वो सब मूलभूत ढांचों को मजबूत करेंगे करेंगे लेकिन मूलभूत है पर्यावरण को कौन बचाएगा। आज हर जगह आज देख रहे हैं अभी लोगों में ऑक्सीजन की कमी थी O2 लेवल गिर रहा है लोगों का दिल्ली की का भी पर्यावरण आपने देखा होगा उसका पैरामीटर कितना हाई हो गया है। लेकिन जबलपुर को भी हम वैसा बना सकते हैं जिस तरीके से अभी जब मैं पहली बार पार्षद होकर आया था 17 करोड़ का पहली बार पार्षद बना फिर दूसरी बार जब पार्षद बना तो मैंने देखा कि राजस्व सिर्फ 17 करोड़ रुपये आता था जबलपुर शहर का। मुझे मेरिन काउंसिल में राजस्व विभाग मिला तो हम लोगों ने उस पर काम शुरू किया। अब उसमें काम शुरू किया तो देखा कि कोई टैक्स ही नहीं दे रहा जबलपुर शहर का राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही है तो हम लोगों ने ऑनलाइन किया अधिक से अधिक कंप्यूटराइज किया और उसको 5 वर्ष के अंदर 67 करोड़ तक पहुँचाया और वही लाइन पर आज चल रहे हैं जिसमें जबलपुर को 200 से 250 करोड़ रुपये का राजस्व की प्राप्ति हो रही है। देखा जाए तो जबलपुर नगर निगम सक्षम नगर निगम है अपने खुद के आय से ही इस जबलपुर शहर को विकसित कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार की योजना राज्य सरकार की योजनाएं आती हैं जल नल की योजनाएं आती हैं बड़ी बड़ी विकास की योजनाएं आती हैं बड़े अच्छे गार्डन जबलपुर में बन जाएं इस तरीके के लिए स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट जबलपुर शहर में आते हैं। अब इस स्मार्ट सिटी को भी अब जबलपुर से कहीं और अलग जैसे हिस्सा लेकर हम तैयार की जाए जिस तरीके से एक छोटी सी सिटी में का उदाहरण देना चाहता हूँ कचनार सिटी का उदाहरण देना चाहता हूँ। उस सिटी में आप देखिए कि अच्छी चौड़ी सड़कें हैं उन्होंने वृक्षण रोपण किया है एक से नक्शे के बनाए हुए मकानों का निर्माण किया है एक रूपता है उसमें वहाँ पर और लोगों को भी पसंद आती तो लोग जो अच्छे इनको पसंद आया वो सिटी में रहना वो लोगों ने उस सिटी का चयन किया और लोग वहाँ पर निवासरत हैं। तो इसी तरीके से एक नया स्मार्ट सिटी अगर जबलपुर शहर में हम फिर से विकसित करना चाहते हैं तो एक बड़ी ज़मीन लेकर जबलपुर शहर नगर निगम को देनी होगी और उससे एक नया एक जैसा जबलपुर पुराना है उससे एक नया जबलपुर हमको बसाने की आवश्यकता जबलपुर में है।
हमारे पास बहुत बहुत सी खूबसूरत जगह हैं, भेड़ा घाट है, गुवारी घाट में लाखों लोग प्रतिदिन माँ के दर्शन करने जाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ जबलपुर में हैं, त्रिपुर सुंदरी माता का मंदिर है और भी ऐसी बहुत सारे भव्य पुराने मंदिर यहाँ पर हैं। इस सब को भी हमको अपने जैसे हेरिटेज मंदिर पड़े यहाँ पर हैं तो उनको भी अपने नक्शे पर, नगर निगम के नक्शों पर लाकर इसको उभारना पड़ेगा। जिस तरीके से ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है उस ट्रैफिक के लिए जैसे अभी मदन महल से लेकर एक बहुत अच्छा फ्लाईओवर बन रहा है, वो फ्लाईओवर एक बहुत जरूरी थी, उसकी ज़रूरत थी उसकी, और फ्लाईओवर जबलपुर के विकास में बहुत काम करेगा। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ रहा है और अभी नई इंडस्ट्रियल एरिया जैसे अभी चयन करने का चल रहा है जिसमें लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, तो मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ लोगों को रोज़गार भी मिले, इस दिशा में जब हम पहल करें तब जाके जबलपुर विकसित हो पाएगा। क्योंकि विकासशील तो बन चुका है लेकिन इसको विकसित बनाने के लिए यहाँ के रोजगार युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध कराना ही बहुत बड़ी भूमिका में नगर निगम को आना होगा। बहुत सारे हैं अभी कितने करोड़ों रुपए के टेंडर करते हैं जिससे रोजगार मिलते हैं ठेकेदारों को, उनके मजदूरों को मिलते हैं, लेकिन अब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी नगर निगम को लाना चाहिए जिससे यहाँ का विकास हो सके और यहाँ का मूलभूत ढांचा जो है मजबूत हो सके। एक जो हमारा मतलब आपका विज़न क्या है शहर के डेवलपमेंट का, शहर कैसा होना चाहिए, पिछले 15-20 सालों में हो पाया या नहीं हो पाया, कहाँ का आपका विज़न जानना चाहते हैं। जबलपुर की जनता का पहले तो मैं आभार मानता हूँ कि नगर निगम को उन्होंने कम से कम 50% सहयोग दिया है, लेकिन ये सहयोग नाकाफ़ी है। उसमें जनता को नगर निगम साथ कॉपरेट करके ही इस जबलपुर को विकसित बनाया जा सकता है। जैसे कि आप अभी देखते हैं इसी रोड पर आप देख ले, यहाँ से फुहारे तक सिर्फ गाड़ियों की भीड़ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जैसे हमको पार्किंग स्थल डेवलप करने पड़ेंगे, अच्छे गार्डन्स तैयार करने पड़ेंगे। जब मैं गुजरात गया था, गुजरात का एक काकरिया गार्डन मैंने देखा, उस काकरिया गार्डन में आप सैकड़ों एकड़ में गार्डन है वो, और वहाँ पर कम से कम 1000 लोग को रोज़गार मिला हुआ है, सिर्फ एक गार्डन से हज़ारों लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। वहाँ पर पूरे पक्षी मिलेंगे, पूरे जानवर मिलेंगे आपको, बहुत बड़े तालाब हैं, छोटी सी ट्रेन भी चला दी है, तो इससे क्या हुआ कि वहाँ पर काम करने वालों की संख्या भी बढ़ी। और एक जगह जब किसी इतने बड़े गार्डन में और इतने बड़े क्षेत्र में गार्डन बनता है तो हज़ारों लोगों को नौकरी मिलती, तो ये भी काम नगर निगम का है, लेकिन रोज़गार के माध्यम से जोड़कर उनको उनने उसको वहाँ पर वहाँ के युवाओं के लिए वहाँ के क्षेत्र के लिए उस चीज़ में वो सफल भी, और आज वो देखो बहुत शानदार बनाया उन्होंने अहमदाबाद का काकरिया गार्डन। ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप करनी पड़ेगी, जैसे भवरताल बहुत पुराना गार्डन, एक ही गार्डन कब तक चलेगा। जबलपुर शहर में बहुत ज़मीनें खाली पड़ी हैं, सरकारी ज़मीनें खाली पड़ी हैं, मतलब जनता में एक जैसे हमने डुबना नेचर पार्क है, ऐसे कुछ उमंग भरे क्षेत्र तैयार करने पड़ेंगे जैसे अब आदमी कम से कम जाए वहाँ पर, कुछ बैठे आराम से अपने अच्छे पल काटे, समय काटे अपना, क्योंकि इतनी भागती दौड़ती दुनिया है, सिर्फ आदमी का विजन सिर्फ पैसा कमाने ना रह जाए। बाकी दूसरे ये कर रहे हैं कि कल को आपको जिम्मेदारी मिल जाए महापौर की, मतलब आपका विजन जानना चाहते हैं, आप क्या चाहेंगे जबलपुर कैसा हो जाए मध्य प्रदेश के मानचित्र पर कैसा। मैं जबलपुर को इंदौर का नंबर वन, जो उससे छुड़ाकर जबलपुर को नंबर वन करने के लिए स्वच्छता अभियान पर सबसे ज़्यादा जोर दूंगा कि इंदौर को छोड़कर जबलपुर पहले नंबर पर आए स्वच्छता में। क्योंकि अभी भी हम बहुत हद तक 80% हमारी स्वच्छता अभियान में हम सफल हो गए हैं, लेकिन इंदौर जिस तरीके से प्रथम श्रेणी में आ रहा है, हम जबलपुर को प्रथम श्रेणी में लाने का प्रयास पूरा करेंगे। क्या योजना हो सकती है उसके लिए, अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, मान लो आपको टीम लीडर बना के बैठाया जाता है, तो क्या क्या होगा विजन आपका। देखिए सबसे पहले तो नगर निगम की जो मूलभूत काम है, स्वच्छता है, साफ सफाई, छोटी छोटी सड़कें नालियों का निर्माण करना, नई कॉलोनी का निर्माण करना और व्यवस्थित करना, जो पुरानी आदतें लोगों को लगी हुई हैं उससे थोड़ा सा छुटकारा दिलाने के लिए थोड़ी सख्ती भी बरतनी पड़ेगी। क्योंकि राजस्व जब मेरे पास आया तो मैंने सख्ती बरती थी, तो सख्ती बरती तो आज 17 करोड़ से हम 67 करोड़ तक पहुँचे थे, क्योंकि कोई टैक्स देना चाहता नहीं था। और उसी से पहली सड़क छोटी लाइन से फाटक से लेकर मेडिकल तक की सड़क 13 करोड़ में जब हमारे पास हमने 75 दिन की छूट दी थी, उस छूट के पैसे से हमने वो पहली सड़क का निर्माण किया था। जबलपुर की पहली सड़क थी, इतनी चौड़ी सड़क बनाई गई थी, फिर 17.5 करोड़ उसका राज्य वो बढ़ता गया तो 17.5 करोड़ में वो सड़क बनी थी। तो आवक और व्यय, मैं समझता हूँ कि जबलपुर नगर निगम के पास बहुत अच्छी आय हो सकती है, और आय से ही हम
किसी से मांगने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और इन्हीं के पैसे से हम यही जबलपुर का बहुत शानदार विकास कर सकते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा पर क्या काम कर सकते हैं? शिक्षा क्षेत्र पर जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि अभी आवश्यकता है, जो बहुत गरीब तबका जबलपुर शहर में रहता है, 382 नंदी बस्तियाँ हैं इस क्षेत्र में, और जिस तरीके से सेंट्रल स्कूल और CBSE कोर्स चल रहे हैं, क्योंकि भविष्य में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले इसलिए हम अच्छे स्कूलों का निर्माण भी नगर निगम में करना चाहते हैं। मैंने अपने समय पे जब 99 पार्षद बना था तो रांझी का गधा स्कूल, आपने गधा स्कूल का नाम सुना होगा, लोग तो पहले इसको गधा स्कूल कहते थे, वो पहला स्कूल जीवन मैंने अपने दान से बनाया। मैंने अपने 5 मित्रों की टीम बनाई और 14 लाख का स्कूल उसी समय मैंने दान से बना दिया था। तो मेरी रुचि शिक्षा क्षेत्र में थी, लेकिन शुरू से 9वीं 10वीं कक्षा से पढ़ाना शुरू किया था बच्चों को, और वो मन में था तो वो स्कूल मैंने दान से ही बनाया। और आज आप जाके देखिए उस स्कूल में बच्चे उस स्कूल से मैरिट भी निकले। तो मेरी कोशिश रहेगी जबलपुर अभी भी शिक्षा का अच्छा हब है और उसको अच्छा कैसे बनाया जाए उस पर काम करेंगे। पिछले 15-20 वर्षों में आप रहे लगातार, क्या इस दिशा में काम हो पाए? भोपाल नेटवर्क इन तरह नहीं पहुँच पाए, कहाँ ब्रेकर रहे, आपको क्या लगता है? मैंने कहा कि इच्छा शक्ति में कमी नहीं होना चाहिए। मेरी इच्छा शक्ति है मैं जबलपुर शहर को सुंदर बनाऊँ। आप कुछ जो सड़कें मैंने मॉडल के रूप में रांझी के अंदर बनाई थी, आप कभी उसको आकर आकलन करिए कि मेरी बनाई हुई 20 साल की पुरानी सड़कें आज भी चल रही हैं। जो मैं 6 साल पहले 8 साल पहले बना के आया था वो भी ये नंबर 1 की सड़कें हैं। होता है क्या है कि जहाँ पर हमारी अपेक्षाएँ बढ़ जाती हैं वहाँ विकास की गति धीमी हो जाती है, और विकास की कमी धीमिता होती जब मेरी अपेक्षा बढ़ गई है कि मैं इसमें से कितना अपने घर अपने पुस्तकों के लिए जोड़ लूँ, तो मैंने कोशिश नहीं करी इन सब चीज़ों की तरफ। तो वो वहाँ विकास और फिर उसका जो बीच का जो रास्ते हैं वो मजबूत हो जाते हैं, इसलिए विकास ढीला पड़ जाता है। विकास हो रहा है लेकिन विकास की जो मजबूती है वो तभी आदि आएगी जब सबका संयुक्त प्रयास हो और थोड़ा सा भ्रष्टाचार में कमी आए। आपके एक आपके ही साथी अन्नू आए थे, उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा था कि अपने हितों को तिलांजलि देनी पड़ेगी, वही बात कर रहे हैं। मैंने यही कहा कि अपनी अपेक्षाओं में कमी करनी पड़ेगी। भाई मेरी अपेक्षा ज़्यादा रहेंगी, मेरे परिवार में खाना सबको 2 रोटी है, मेरे बच्चे भी 2-3 रोटी से ज़्यादा कुछ खा नहीं सकते हैं, लेकिन मैं उसको कुछ स्पेशल दिन भर पनीर के टुकड़े ला के दे दूँगा तो उसको अजीर्ण हो जाएगा और उसको बहुत सारी बीमारियाँ घेरेंगी। तो मेरी अपेक्षाएँ कम हैं, मैं जिन जिन अपेक्षाओं से जनता ने मुझे यहाँ पर भगवान की इच्छा होगी तो मैं कहीं ना कहीं बैठूंगा, और पहले भी मैंने 15 वर्ष काम किया है और उनकी क्योंकि मेरी अपेक्षाएं कम हैं इसलिए जो जनता ने मुझसे अपेक्षा करी है मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा पूरी। ये एक बात और आई थी, पिछले जितने भी लोग आए हैं शायद आपने भी अनुभव किया हो, जो अधिकारी आता है उसका संभवतः प्रेम शहर से कम होता है, एक डेवलपमेंट की राह में रोड़ा ये भी होता है, इसको कितना महसूस किया आपने पिछले वर्षों में? देखिए मैं बैठा हूँ जनता के काम के लिए, और जनता के काम तभी होते हैं जब समन्वय होता है। मैंने 15-20-25 लगभग 93 से इस राजनीतिक क्षेत्र में काम किया और मेरे गुरुजी ने मुझको एक ही चीज़ सिखाई कि अपने और अधिकारियों के बीच में समन्वय इसलिए बनाना आवश्यक है कि हमको करना है जनता का काम। मेरे व्यक्तिगत कोई भी काम इस जबलपुर में नहीं है, ना मेरे को कोई घर का नक्शा पास कराना है, ना किसी से दलाली लेनी है। तो ऐसे आप अपनी जनता के काम अगर निकलवाने हैं, कभी कभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच में ईगो काम करता है तो ईगो के कारण क्या होता है, काम नहीं हो पाते, जनता के काम सफर होते हैं, तो उसमें बीच का रास्ता निकालना बहुत आवश्यक है। मैंने भी 15 साल काम किए, आप लोग सबने भी देखा कि इजी मैंने जनता के हजारों कार्यकर्ताओं हजारों लोगों के काम किए बैठे बैठे, और एक एक फ़ोन पर काम किए, 1 रुपये नक्शे में किसी को कभी जीवन में पास कोई नक्शा पास कराने आया हो तो 1 रुपये नहीं लगने दिया किसी का। तो ये इच्छा शक्ति पर है। अभी पिछले जो कार्यकाल रहा नगर निगम का उसके पहले सीमाओं का विस्तार हुआ था नगर निगम के, और 52 से 54 गांव आपने जोड़े थे, 55 है ना, जो उनकी क्या स्थिति है डेवलपमेंट के लिए, उनको क्या आपने क्या बताया? देखिए बहुत दूर जो भी ग्राम 55 गांव हमारे जुड़े थे, ग्राम पंचायतें जुड़ी थी, उनके क्षेत्र बहुत घने भी हैं कहीं पर और कहीं कहीं बहुत दूर दूर भी हैं। अब जैसे किसी पिपरिया के वार्डों को ले लें तो पहले भी ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार विकास चल ही रहा था, और ग्रामीण क्षेत्र में अब मेन मूलभूत है वहाँ पर पानी की व्यवस्था करना, क्योंकि अभी वहाँ पर नर्मदा जल के जो प्रोजेक्ट हमने तैयार किए थे अभी वहाँ पर तैयार हो गए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस जल को पहुँचा देंगे, सबसे मूल उनकी समस्या है पानी।
क्योंकि ग्रामीण जल में जो हैडपम्प का या इसका बोरिंग का पानी पीते हैं इससे उनको नुकसान होता है और उनको बीमारियां पैदा होती हैं। इससे सबसे मूलभूत वहां पर है पानी पहुंच जाएगा और लगभग जो अभी कुछ क्षेत्रों ग्रामीण इलाकों में पानी की टंकियां बनी हैं उससे पानी पहुंच रहा है और अभी उनको अभी आदत में नहीं आया है कि 5 साल में नगर निगम के अंदर आकर हम अपना टैक्स ईमानदारी चुकाएं, क्योंकि अभी नए नए जुड़े और ग्रामीण क्षेत्र में 25 रुपये टैक्स होता है वो भी वो नहीं चुकाते थे। तो अभी 5 वर्षों के अंदर वहाँ वो नगर निगम पहुँचा है और आपने देखा होगा कि 70 वर्ष के अंदर इस नगर निगम के क्या हाल थे। इन 15 वर्षों के अंदर नगर निगम ने कितना जंप किया है। पहले आप इस जो महापौर थे विश्वनाथ दुबे जी तक के काम की गति देखिए और इन 15 वर्षों की गति देखिए, आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हम चौड़ी सड़कें दी हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में आई तो उसका समन्वय बनाकर लाखों करोड़ रुपए हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ग्रांट मिली। पानी के लिए हमको 300-400 करोड़ रुपए मिले, उसके कारण पूरे नई पाइपलाइन हमने डाली, विस्तार किया उसका, कम से कम 35-40 टंकियां नई बनाई अभी अपन ने और जो अभी बन रही है अभी उस बनने से लगभग मैं समझता हूँ कि लगभग मूलभूत जो सुविधाएँ वहाँ पर देनी चाहिए वो कंप्लीट हो जाएगी। अभी जो एक सवाल और है पहले हम कर लें आपसे, फिर बाकी लोगों को पूछेंगे, कॉन्सेप्ट की कुछ कमी है क्या विकास में? आपको लगता है कि हमारा जो विकास हो रहा है उसका कोई और छोर नहीं है, जहां मर्जी आए वहां कर दें कॉन्सेप्ट? हाँ। उसके हम तो आपको दो उदाहरण दे रहे हैं, एक का जिक्र आपने किया कि हमारे पास एक गार्डन है, बहुत सारी ऐसी ज़मीनें पड़ी तो जो हमने भंवरताल में पैसा लगाया उससे बाकी गार्डन उभारे जा सकते, आपने स्वीकार बन सकते थे। दूसरा उदाहरण हम अपने राइट टाउन स्टेडियम का दे रहे हैं, जब आपने 52-55 गांव एक्वायर किए तो जो स्टेडियम हमारे पास था इसकी जगह उन गांव में ज़मीन एक्वायर करके वहां एक खेल गांव विकसित करते, क्या ये हो सकता था? अगर ये नहीं हुआ इसको आप कैसा मानते? बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज के हिसाब से नहीं, आने वाले 50 साल के हिसाब से इस जबलपुर को तैयार करना पड़ेगा, पुराने चीज़ को फिर से पुनः उसका जीर्णोद्धार करके जबलपुर का विकास नहीं होगा, हमको नए स्थान का चयन करना पड़ेगा। आप सोचिए कि आप देखते हैं कि हर साल वर्षा का जल करोड़ों अरबों खरबों गैलन के रूप में खंबात की खाड़ी में चला जाता है, लेकिन उस विषय पर गुजरात ने कितना अच्छा काम किया। गुजरात ने उस पानी को रोक कर उस पर एक पूरी लंबी एक नहर बना डाली जिस पर उनका सी प्लेन चलने लगे हैं, आप देखिए अभी कल उद्घाटन आज ही उद्घाटन है उसका। तो उन्होंने एक एक बूंद पानी का उपयोग किया और उसको बचाया है। वैसे ही जबलपुर शहर के अंदर भी जैसे सोफिट बनने थे, वर्षा का जल संचित करना बहुत आवश्यक है। आप देखिए अभी मैं ग्वालियर में, मेरा ननिहाल है, मेरे मामा ने एक समाधि कॉलोनी में वहाँ रहते हैं, वहाँ पर कुछ पहले घर थे, सीमेंट सड़क बनती गई, पूरे लोगों ने घर से घर लगाकर सीमेंट सड़कें बना दी, पूरी कॉलोनी में सीमेंट सड़क बन गई। आप सोचिए कि 3,000 घरों की बोरिंग समाप्त हो गई, 3,000 घरों की बोरिंग समाप्त हो गई, उस कॉलोनी की वैल्यू ज़ीरो हो गई। बड़ी मुश्किल से कोई बड़ी बोरिंग का ही तब जाके पानी उस बोरिंग से 1,000 फुट कराना पड़ा तब जाके एक बोरिंग से पानी दे पाते हैं समाधि कॉलोनी को। इस तरह जबलपुर का भी हाल यही है। आप पहले जबलपुर में 15 फुट में पानी था, आज 300 फुट पे पानी चला गया है। एक गर्मी आती है सीधे 70-75 फुट से सीधे पानी नीचे चले जाता है, कुछ क्षेत्रों में पानी अच्छा है। तो हमें वर्षा का जल भी संचित करना पड़ेगा, उसको मानवता के दृष्टि से हम इस प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है और हम प्रकृति को नहीं देंगे तो प्रकृति हमें नष्ट कर देगी। पानी देना है उसको, अच्छी हरियाली देना है, क्योंकि जो वातावरण चल रहा है उससे आप सब देख रहे होंगे कि अभी लॉकडाउन के अंदर लोगों को समझ में आ गया कि लोग क्यों कम बीमार पड़े, क्योंकि घर के अंदर थे, बाहर की हवा नहीं लेनी पड़ी, उसके कारण वो धूल और ये कारण उसके नहीं जा पाए। तो सवाल से हम विशाल तरह हो गए हैं, हमारा स्टेडियम पर सवाल जो हमने जमीन की, तो क्या जो स्टेडियम का रिस्ट्रक्चर हो रहा है नया बन रहा है ये कॉन्सेप्ट के खिलाफ है क्या? आपको लगता है कि ये हमारे पास पुराना भी होता अगर हम खेल गांव में जमीन करते? आपको लगता है चाहे स्मार्ट सिटी ने किया हो या किसी भी एजेंसी ने किया, देखिए राशि का अपना हम विजन जानना चाहते हैं। मेरा विजन है कि एक नया पूरा खेल ग्राउंड बनाना चाहिए था, क्योंकि ये जो है ये लोकल स्तर पर जो यहाँ पर मॉर्निंग वॉक ले जाते हैं जो हमारे खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं, बॉक्सिंग की है, क्रिकेट की है, कबड्डी की है, ये सब के लिए सफिशिएंट था यहाँ पर, लेकिन हम एक नया खेल ग्राउंड बनाना था। आप देखिए ये भी जो क्रिकेट ग्राउंड बना था ये भी अधूरा क्रिकेट ग्राउंड बना, क्योंकि उसमें आपने देखा होगा कि उस लेवल का नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का। हमें जबलपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का क्रिकेट ग्राउंड हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे बास्केटबॉल हो,
ये यहाँ से अच्छे अच्छे खिलाड़ी अभी कुछ दिन में देखा हूँ तीरंदाजी में कुछ बच्चे यहाँ से गए हैं, कबड्डी में मैं खुद भी कबड्डी का चेयरमैन रहा हूँ, मैंने अभी छोड़ा काम क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो बहुत अच्छी प्रतिभाएं यहाँ पर हैं, तो खेल को भी आगे बढ़ाया जा सकता है और अच्छे ग्राउंड बनाए जा सकते हैं यहाँ पर। मतलब अगर इस स्टेडियम को रिनोवेट करने की जगह अगर खेलगांव बना ले तो शहर का बेहतर विकास, बहुत जगह पड़ी है और लोग देने के लिए तैयार हैं। यहाँ तो आपको नया तालाब भी विकसित करना पड़ेगा, आप जो आपका वर्षा का जल नर्मदा नदी के से चला जाता है तो एक ऐसा तालाब भी विकसित करना पड़ेगा जैसे पर्यट टैंक है। आज पर्यट टैंक में ऊपर का पानी आता तो हम जबलपुर के 34 वार्डों को पानी दे पाते हैं, पहले 34 वार्ड को पानी देते थे, आज उसी वार्ड से हम सिर्फ 7 वार्ड को पानी दे रहे हैं। तो ऐसे तालाब भी बड़े विकसित करने पड़ेंगे कि उनका उन वर्षा का जल उसमें समाहित करके उस वर्षा के जल का उपयोग अपन गर्मी के दिनों में बाद में कर सकते हैं। ये भी एक तालाब का निर्माण अपन को करना आवश्यक है। हमारे साथ डिजिटल इंडिया से राजेश जी है, वो सवाल करेंगे। जल संवर्धन की बात कही आपने, वाटर हार्वेस्टिंग जैसी व्यवस्था लंबे समय से नगर निगम चल रहा है, हाँ। तकरीबन 15 वर्ष तो हमको भी देखते हो गए आपके साथ, फिर भी जल संवर्धन के लेके हम कहीं नियंत्रण नहीं कर पा रहे, बिल्डर सब भी मनमानी कर रहे, उन्हें इस बात का मतलब वो भी नहीं रहता कि हमें वाटर हार्वेस्टिंग करनी, क्या कमी रह जाती है कि इम्प्लीमेंट नहीं होगा। मैंने यही कहा कि इच्छा शक्ति कमी, एक तो जनता को भी जागरूक नहीं हो पाई अभी तक कि वर्षा का जल क्यों संचित करना चाहिए, उसको खुद को मालूम घर के अंदर बोरिंग कराता है 75 फुट की बोरिंग में 300 फुट बोरिंग कराना पड़ रहा है, उसको इससे समझ में नहीं आ रहा कि जो मेरे को 50 से 60 फुट की ज़मीन पर मेरे को पानी मिल जाता था आज मेरे को 300 फुट में भी पानी नहीं मिल रहा है। अगर यही वर्षा का जल संचित करने हम लोगों ने शुरुआत में जब बने थे तो इसको लेकर बहुत अच्छा कार्यक्रम शुरू हुआ था, लेकिन धीरे 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 अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण ये काम जीरो हो गया। लेकिन इसको आप इच्छा शक्ति की करें, नेता की इच्छा शक्ति कम है, अधिकारी की, दोनों की इच्छा शक्ति कमी है, दोनों की कमी है, दोनों की कमी है। देखिए जागरूक तो नेता जनप्रतिनिधि को करना पड़ेगा और फिर अधिकारियों को भी, एक जिस तरीके से हमने इस कोविड में कितना जागरूक हुए लोग, मास्क पहनने लगे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने, भय से भी भय कौन पैदा करेगा कि लोग मान जाए, भय से भी होगा और चूंकि अब मानवता के नाते एक दूसरे को अपन समझा ही सकते हैं। होता क्या है कि नगर निगम नक्शा पास करते समय हार्वेस्टिंग का पैसा तो जमा करा लेता, लेकिन बाद में फिर वो देखने नहीं जाता कि पर्टिकुलर वहाँ पर हार्वेस्टिंग डेवलप हुई कि नहीं, करवाने में ज्यादा है। हाँ, वो इम्प्लीमेंट करवाने में सिस्टम में भी कहीं कमी है। देखिए जबलपुर के जो अधिकारी बैठे हुए हैं, हम लोगों ने कई बार उनसे निवेदन भी किया इस चीज़ को लेकर कि जब हम वाटर हार्वेस्टिंग का पैसा जमा करते हैं, मैंने एक नक्शा पास कराया था रांची के अंदर, मैंने उनसे लग के पीछे सेंट जोसेफ स्कूल था, मैंने लग के उनसे वाटर हार्वेस्टिंग के दो दो प्रोजेक्ट लगवाए उनसे, आपको मैं कभी चल के दिखाऊंगा क्योंकि मेरी इच्छा थी। मैंने मेरे से आज मेरे पास आया, उन्होंने बोले भी हमारा नक्शा पास नहीं हुआ, मैंने नक्शा पास कर लिया, मैंने मतलब बहन जी ये पैसा आपको, और उनने पैसा भी नहीं लिया आज तक। मैंने कुछ दिन पहले अभी पिछले मैंने गया था तो मैंने भैया पैसा ले लीजिए जाके, आपका हार्वेस्टिंग सिस्टम कंप्लीट हो गया है, लेकिन वो पैसा लेने भी नहीं गए, वो अलग उनकी मैटर है। लेकिन हम लोग जैसे जब हम लोग किसी विषय पर काम करते हैं तो हम लोग समझाइश ही देते हैं कि भैया ये सब आवश्यक है, और इसको राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से आपने देखा होगा स्वच्छता अभियान को लेकर मोदी जी ने जिस तरीके से शौचालयों के निर्माण कराए हैं, मैं समझता हूँ कि ये भी हाथ इसको राष्ट्रीय स्तर पर नगर निगम में एक प्रोजेक्ट के रूप में कि जो जिस तरीके से शौचालय बनाने के सरकार ने 2,000 रुपये दिए, तो उसी तरीके से एक ऐसा प्रोजेक्ट लाना पड़ेगा कि हम इतनी राशि तय करते हैं कि 1,000 राशि हम तय करेंगे, हमको नहीं चाहिए आपके नक्शे से पैसे, वो हम किस तरीके से जोड़ के ले लेंगे आपसे, लेकिन हम 1,000 की राशि तय कर रहे हैं और इसमें गड्ढा कराइए, इसमें एक पाइप डालिए, इसमें कंकड़ मिट्टी डालिए, और वो सरकार खुद अपने हाथ में लेना पड़ेगा तभी ये सफलता मिल पाएगी इसमें अपन को। हर नेता की या मंच पर पीड़ा रही है कि इंदौर नंबर 1 और इच्छा शक्ति की कमी और जनता जागरूक नहीं है, ये तमाम बातें हर बात सामने आती हैं। स्वच्छता एक विकास का बड़ा हिस्सा बताया, अब वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ से अगर देखें अपन तो स्वच्छता में सफाई स्वच्छता अभियान तो अभी आया मोदी जी का, लेकिन सालाना 25 करोड़ रुपये नगर निगम आज से नहीं, और एक लंबी फौज मतलब सफाई कर्मी होते हैं जो मतलब हमेशा अपने वेतन के लिए परेशान होते रहते हैं, गंदगी के लिए जनता परेशान हो रही है, ये सब चीज़ आपको भी नज़र आती है और विपक्ष को सत्ता पक्ष दोनों को, क्या है एक लाइन पे आप इसको? मैंने सबसे बोला इच्छा शक्ति, एक सुनेंगे आपने बात, जब मैं दूसरी बार पार्षद बना तो जबलपुर नगर निगम में घर घर शौचालय बनाने का प्रोजेक्ट आया, वो मैंने अपने वार्ड में लागू कराया। आज जाके देखिए मेरे वार्ड में मुश्किल से 15 घर बचे हैं,
और मेरा घाट टोटल अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग मुश्किल से 5% लोग सामान्य रहते हैं। मैंने पूरे वार्ड के अंदर एक एक घर के अंदर शौचालय निर्माण कराया, और ऐसा नहीं कराया, वहीं की बस्ती से लोगों को जोड़कर वहीं की समिति बनाकर निर्माण करके मैं स्वयं शाम का समय मैं देता था उन घरों में जाकर जो लोग नहीं मानते थे, लेकिन मेरी इच्छा शक्ति थी इसलिए मैंने अपने वार्ड के अंदर घर घर शौचालय बना, क्योंकि मैंने उन बहनों को उलाहना सुनते देखा था, जिसके मन में पीड़ा होगी दुख दर्द होगा वही इस काम को कर पाएगा। मेरे मन में पीड़ा थी, मैंने उनके घर घर जा जाकर उनसे निवेदन किया, उनको घर घर शौचालय और घर घर पानी की व्यवस्था मैंने अपने वार्ड में प्रत्येक घरों में करी। यदि जनता आने वाले समय में आपको मौका दीजिए मेयर बनने का, तो कैसे इम्प्लीमेंट करा पाएंगे 2-3 मूलभूत चीज़ों का? देखिए, जैसे मैंने कहा कि हम इसको प्रोजेक्ट लेकर चलेंगे, जिस तरह से अनुदान देकर, जिस तरह से शौचालय के अनुदान देकर, ये राशि बहुत बड़ी राशि नहीं है, हम अगर जबलपुर शहर के 10-10 वार्ड भी अगर एक साल में निपटा देंगे तो पूरे 50-60 वार्ड हर घर में अपने 100 फीट घर में हो जाएगा। तो हम 10-10 वार्ड के प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेंगे कि हम एक ऐसी राशि तय कर देंगे कि हम, या फिर नगर निगम अपने खुद टेंडर पर देकर उन घरों में जबरदस्ती बनाएगी 100 फीट बनाएगी, और करना तो पड़ेगा और करेंगे हम लोग करेंगे, क्योंकि आपने ये विषय बहुत अच्छा लाया और मेरी भी इस विषय पर रुचि है। मैं भी चाहता हूँ कि वर्षा का जल जमीन, आप नगर निगम अध्यक्ष रहे लंबे समय तक, सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षदों के बीच में समन्वय बना लंबा अनुभव रहा है, इच्छा शक्ति की बात आती है कि इच्छा शक्ति नेताओं को समझना होगा, लेकिन जब जब आती है मुद्दों की बात तो स्व विकास के लिए धारा 30 की बैठकें आती हैं, इससे आप बहुत तरीके से सामना करते आए और फिर बाद में कई बार इसी हंगामा, और आपने अधिकारी आगे आते हैं और लेकिन सत्ता में जो नुमाइंदे हैं वो नहीं, क्या है इसको कैसे देखते हैं, क्या लगे भविष्य में समन्वय बनने की स्थिति होगी? समन्वय तो बनाना चाहिए, समन्वय इसलिए बनाना चाहिए कि हारने और जीतने, कोई भारत भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीतते हैं, कुछ कांग्रेस के पार्षद जीतते हैं, लेकिन जीतने के बाद सिर्फ जनता के सेवक के अलावा वो कुछ भी नहीं है। पार्टी अपनी जगह पे है जब उनके संगठन या उनके भविष्य कोई बैठकें होती तो वो अपने संगठन का पार्टी का नाम लेते हैं, लेकिन एक होकर अगर जबलपुर के 79 पार्षद एक हो जाए तो मैं समझता हर समस्या का हल हमारे पास खुद है, हमारी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है और पूरे 79 पार्षद सब अपने तमाम कांग्रेस भाजपा बसपा ये सब को छोड़कर विकास की दृष्टिकोण से अगर जबलपुर को देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि कोई चीज़ कठिन नहीं है। शरदचंद्र उपाध्याय हमारे साथ हैं, उनका कोई बहुत अच्छी बात करें इच्छा शक्ति, राजस्व में जब आप पहुँचे आपकी इच्छा शक्ति ने काम किया और आए दुगनी तिगनी बल्कि 10 गुनी ज़्यादा, भय भी साथ था उसमें। मेरा ये कहना है कि नगर में वर्तमान में भीड़ बढ़ रही है, आप भी देखते हैं हम भी देखते हैं और हम भी परेशान भी होते हैं उसमें, सही बात, और वो चाहे शोक में हो चाहे सुख में हो, हर में हम लोग प्राय हर व्यक्ति उस भीड़ में फंसता है। कभी सदन के पटल पर उपनगर बसाने के लिए कोई प्लान रखा गया? एक दूसरा, उस पर यदि रखा गया तो उस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं? देखिए, पहली बार ये जबलपुर के अंदर स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आया है जी, ये प्रोजेक्ट इसीलिए आए थे कि एक नई सिटी बसाने का जी। होता क्या है कि जैसा कि आपने कहा, बहुत साल पहले प्लान बने थे जबलपुर शहर को बसाने के लिए कि राइट टाउन बसा, नेपियर टाउन बसा, राजी का सिर्फ चंद्रशेखर वार्ड एक व्यवस्थित वार्ड है, ऐसे सिविल लाइन हो गया, तो कुछ ऐसे वार्ड जो जबलपुर शहर के आज से 55-60-65 साल पहले इनको व्यवस्थित बनाने का नक्शा सब बना, लेकिन आने वाला जो समय रहा किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। आने वाले 50 वर्षों के लिए भी उन्होंने कभी प्लान नहीं किया कि हम ऐसी बस्तियों को बसाया जा सकता है। हुआ क्या कि क्षेत्रों से लगी जितनी कृषि भूमि थी उस कृषि भूमि पे अपनी मर्जी के अनुसार मेरे को पैसे की आवश्यकता थी, मैंने उस ज़मीन को बेचना शुरू कर दिया, एक खुदाई रोड काटी, खुदाई मैंने सड़क का निर्माण किया, उसके पीछे शुद्ध था कि अधिकारियों ने उसके पीछे पैसा खाया, नियम ही नहीं था कि कोई भी कृषक अपनी ज़मीन को बेच के कॉलोनी काट दे, या उसको अगर वैध जो अवैध जितनी भी हैं आज पर यहाँ पर अवैध कॉलोनी है
वैध कॉलोनी में कहाँ गिनी चुनी कॉलोनियाँ वैध हैं, जो अभी वर्तमान में जो डेवलप हो रही हैं, जो सिस्टमेटिक से अच्छी सड़कें नाली पुनी प्रकाश की व्यवस्था दे रही है, वो मुश्किल से कुछ गिनी चुनी कॉलोनी है। लेकिन जैसे स्मार्ट सिटी आया, स्मार्ट सिटी में ये प्रोजेक्ट मैं समझता हूँ कि शहर के बाहर होना चाहिए था। हम उसी चीज़ में कुछ दीवारों को तोड़ दें तो ये अधिकारियों की मनमर्जी हुई यहाँ पर, मैं समझता हूँ, क्योंकि उनको लगा कि ये पैसा जो 100-200 करोड़ रुपये आया है यहीं कहीं खपा दो, बहुत शानदार अपना अपना जीवन भी कट जाएगा। इसलिए मैं दो टूक शब्दों में कहता हूँ कि बहुत कुछ जो आप समझ रहे होंगे अपनी भाषा में वो सब हो चुका है। इसमें जनप्रतिनिधि क्या इसमें बीच में जाकर बोल नहीं सकते क्या कि साहब इस प्रकार का नियंत्रण नहीं होता क्या अधिकारी क्या हुआ? और यदि जनप्रतिनिधि जाएगा तो हम भी आपके साथ खड़े होंगे, यदि आप बोलेंगे कि नहीं ये चीज गलत हो रही है तो आपके वार्ड का पूरा आदमी आपके साथ खड़ा हो जाएगा। मैं समझ आपकी बात से सहमत हूँ जी। आप कमिश्नर हैं, महापौर परिषद की बैठक हुई, पहले था पावर बहुत कम पैसे का पावर था कमिश्नर को, पहले 1 लाख का 5-10 लाख का था, वो परिषद के पावरों को छीन छीन कर उन्होंने अधिकतर हद तक अब 2 करोड़ के पावर कमिश्नर को दे दिए। ठीक है, अब कमिश्नर ने अपने मन से जो भी काम करना है केंद्रीकरण, हाँ, उन्होंने अपने हाथ में लिए 2 करोड़ की ये सड़क, 2 करोड़ की ये सड़क, ऐसे 50 करोड़ की सड़कें खुद ही स्वीकृत करने। लेकिन जब ये सब परिषदों के अंदर मुद्दे आते थे, इस महापौर परिषद में जब मुद्दे आते थे सदन पर, सदन नहीं पहले महापौर परिषद में आता जी, था तो महापौर परिषद में आने के बाद उस विषय पर चर्चा होती थी। इन 10 वर्षों के अंदर चर्चा बंद हो गई क्योंकि अधिकारी ने अपने अधिकार बड़ी संस्था से छोटी संस्था से हड़प कर अपने पास कर लिए। जो भोपाल के अंदर जो हमारा विभाग है उस विभाग में जो भी हो अधिकारियों का बिना लेन देन के तो कुछ होता नहीं, आप सबको मालूम है, खुली किताब है यहाँ पर। तो वो वहाँ बढ़ावा दे देकर जो महापौर परिषद के अधिकार थे उसको धीरे 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 कम करते करते अपने हाथों में समेट लिए। आज महापौर परिषद के अधिकार या मैं सोचिए कि स्मार्ट सिटी में भी नहीं रह गए। अभी आपने देखा होगा कि महापौर सिटी में अधिकार सीधे भोपाल को दे दिए गए। तो जब यहाँ के व्यक्ति को विकास करने पर अपनी बात रखने का अधिकार नहीं मिलेगा तो वो कहाँ विकास करेगा? महापौर क्यों बनाया जाता है? कि वो अपनी स्वेच्छा से जिस जो राशि सरकार की आई है उस पर अपने परिषद के और अपने यहाँ के जनप्रतिनिधियों के निर्णय ले सके। उनके जो इस पर कभी संगठन में बात हुई क्या, इस तरह के अधिकार ग्रहण किए? देखिए बात तो हुई है संगठन में, लेकिन अब वो मैंने क्या बोला आपसे कि जिस तरीके से भोपाल के अंदर जो विवाद चलते हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। अपने पैसा यहाँ पर लाकर किस तरीके से खेल खेलना है वो सब अधिकारी जानते हैं। मैं अगर महापौर परिषद के पावर बढ़ जाए, आप सोचिए जरा, तो किसी अधिकारी की हिम्मत है कि 1 रुपये का मिसयूज़ कर सके? मैंने अपने रहते इसी जबलपुर नगर में जी पानी की जो टंकियाँ बनी थी ना, 7 करोड़ रुपये बचाए थे मैंने। आज भी आप पेपर उठा के देख सकते हैं कि मैंने उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार रोका था और पेपर में छपा भी था कि राजेश मिश्रा ने बचाए 7 करोड़ रुपये। पानी की टंकियों में भ्रष्टाचार था, आप सोचिए 23 करोड़ का टेंडर मैंने 15 करोड़ पे ला दिया था, 15.5 करोड़ पे। तो रोकने की ताकत चाहिए, काम करने की क्षमता सब में है, लेकिन वो इच्छा शक्ति हुई जो बार बार बात आती है, इच्छा शक्ति कमी है लोगों में और थोड़ा सा फिर वो तो एक एक पिलर के जो आप बता रहे हो कि महापौर परिषद के अधिकार कम कर दिए, एक पिलर को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है मतलब ब्यूरोक्रेट्स द्वारा, इस पर कभी गंभीर चर्चा हुई पार्टी में या सरकार में? ये जानना चाह रहे हैं। चर्चा तो होती रहती है, लेकिन अब जिस तरीके जिस पैमाने पर विकास जबलपुर शहर में या पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है, पहले विकास होता था 5-10 लाख रुपए का, 20 लाख का, 25 लाख का, अब होता है अरबों में विकास, 250 करोड़ इस प्रोजेक्ट के लिए, 300 करोड़ जल के लिए, तो छोटे मोटे विकास नहीं हो रहे, इसलिए वो छोटी मोटी चिंता कर भी नहीं रहे लोग। जो बारीकी से जिस चीज़ पर अध्ययन करके उस हमको आगे काम करना उस पर कोई चिंता भी नहीं कर रहा है कि भाई इतना पैसा आ गया है इस पैसे का ये उपयोग कर लो, सीधे सीधे किसी चीज़ का स्ट्रक्चर बनाया, उसका एस्टीमेट बनाया और उन्हें टेंडर किया, ये लो टेंडर गए। इससे एक बात आपकी बात से समझ में आई कि हमारे शहर में किस तरह से डेवलपमेंट चाहिए इस पर चर्चा नहीं हो रही है, शहर के हिस्से का जो पैसा है उसे कैसे खर्च करना है इस पर चर्चा हो रही है? पैसे को खर्च करने पर चर्चा हो रही बस। हम लोग जो पहले करते थे कि किस सड़क को कितना बनाना है,
हम लोगों ने 6-6 फुट की 8-8 फुट की सड़कों को 30-30 फुट तक चौड़ी करके बनाया है। रांची के अंदर आपने शंभरी भगत सिंह वार्ड देखा होगा, आपने 5-5 फुट की सड़कें थी। मैंने लोगों को निवेदन किया, जाके हाथ जोड़ के निवेदन किया और लोगों ने मेरा कहना माना। मैंने उसी गलियों को 30-30 फुट की सड़कें बना डाला। आज लोग उनके बच्चे उनके लोग बोलते हैं कि यार हमारे अच्छा विकास हुआ, शमशान घाट जाके देखे मेरे क्षेत्र का। लेकिन उसके लिए सब विजन चाहिए यार। हम अपनी क्षमताओं का उपयोग अगर अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे तो जबलपुर की आने वाली पीढ़ी हमको माफ़ नहीं करेंगी। एक वो यही कहेंगी कि कोई तुमने सड़कों के बस सड़कें बना डाली, नालियों को तोड़ तोड़ के नालियाँ बना डाली, विकास ऐसी रह गया। मतलब हम आगे नहीं बढ़े हैं उसी ढांचागत विकास का पर विकास हो रहा है। हलवी जी हमारा उनका कुछ मास्टर प्लान के हमेशा सालों से सुन रहे हैं, दशकों से सुन रहे कि मास्टर प्लान है और उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से धरातल पर अगर देखा जाए तो मास्टर प्लान और जो भी काम कर रहा है इसमें जमीन आसमान का अंतर है। क्या उसके ऊपर आपका क्या कहना है और मास्टर प्लान को कैसे आप पूरी तरह से सही ढंग से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? देखिए पूर्व का जो मास्टर प्लान है अभी वर्तमान में जो बना हुआ है, जो बाहरी हिस्सा है जबलपुर से सीमा का जो बाहर का हिस्सा है उसको भी अभी भी हम उस पर चेते नहीं हैं। हमारे यहाँ के लोग कोई जैसा पहले विकास चल रहा था वैसे ही उस मास्टर प्लान पे अभी विकास चल रहा है। मेरा मन करता है कि यहाँ से सड़क बननी चाहिए तो मैंने मास्टर प्लान को चेंज कराने की कोशिश करी। मेरे हिसाब से लोगों ने मास्टर प्लान चेंज कर लिया। उसको लगता कि मेरी ज़मीन यहाँ पर पड़ी है, मैं उस ज़मीन पर का रेट कैसे बढ़ाऊँ। अगर आप जबलपुर के मास्टर प्लान का पूर्व का मास्टर प्लान देखेंगे और वर्तमान का मास्टर प्लान तो बहुत सारे कहीं ना कहीं आपको हेरा फेरी मिलेगी उसमें। मेरी ज़मीन वहाँ पर पड़ी हुई है, उस ज़मीन को कितना बड़ा करना है, कितने रेट का बेचना है, मुझे उस हिसाब से मैंने मास्टर प्लान तैयार किया। तो मास्टर प्लान पर जो इम्प्लीमेंट है उसके करने के लिए जैसे बहुत सारे कुछ ऐसे संगठन बने हुए हैं उनको इस पर आपत्ति दर्ज करना चाहिए। हम लोग तो कोशिश करते हैं कि उसी पर काम हो, लेकिन मैं नहीं समझता कि चूँकि बार बार बात आती है अधिकारियों के उनकी मनोच्छा पर और वो अपने मन का कर लेते हैं और कहीं हद तक और पार्षद भी क्या है सोच के आता कि मेरे को 5 साल काम करना है, लंबी रेस का घोड़ा बनना ही नहीं चाहता कोई यहाँ पर। अब 5 साल में सारे अंडे साथ निकालूँ उसके सीधे घर में क्या पता नहीं टिकट मिले ना मिले, क्योंकि 50% महिलाओं का आरक्षण है इसलिए कम सोचता है, उतनी बुद्धि का उपयोग करता है कि मुझको सिर्फ 5 साल के लिए काम करना है। लंबे समय तक काम करने के लिए कोई मैं नहीं समझता कि किसी ने इतने वर्षों तक काम किया। 4 ही 5 या 7-8 पार्षद होंगे जबलपुर में जिन्होंने अभी तक इस राज्य क्षेत्र में बने हुए हैं, बाकी देखिए कहाँ हैं। 200-250-300 पार्षद हम लोग के सामने निकल गए भाई। हम लोग 60 पार्षद थे, फिर 70 हुए, फिर 70 हुए, फिर 79 हुए, 6-6 को 24, 240 पार्षद। 240 पार्षद देख कितने रहे 24, क्या उन्होंने अपनी पार्षद ही खत्म होने के बाद अपनी जिम्मेदारी निभाई कि नहीं निभाई? बस पार्षद ही करी उन्होंने, इसके समाप्त। आपकी बात से समझ आ रहा है कि जो जिम्मेदार जो जनता जिनको जिम्मेदारी से चुनती है वो शहर का विजन उनके दिमाग में नहीं है, नहीं है। स्वहित का है उनके दिमाग में है, इसलिए शहर की स्थिति खराब है। प्रवीण मिश्रा जी उनका कुछ समझ है। शहर की एक बहुत बड़ी आबादी जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है लेकिन उसकी अपनी चिंताएँ हैं, उसकी अपनी विवशताएँ हैं और वो व्यवस्था है उसका उत्तम स्वास्थ्य। नगर निगम के पास अपने डिस्पेंसरीज थी, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज थी, होम्योपैथिक थी, यूनानी थी, एलोपैथिक थी, वो सारा सिस्टम चरमरा गया। दूसरी व्यवस्था है उनकी शिक्षा, शिक्षा में स्कूल एक व्यवस्था है, वाचनालय दूसरी व्यवस्था है, वाचनालय भी बिल्कुल चरमरा गया। तो उसको एक उत्तम स्वास्थ्य कैसे मिले और अच्छी दवाइयाँ कैसे मिले, अच्छे चिकित्सक कैसे मिले? और नगर निगम का जो स्वास्थ्य विभाग है वो अपनी जिम्मेदारियों पर पूरे बजट के साथ कैसे पहुँचे, इसमें क्या व्यवस्था रही और इसमें क्यों ऐसा हुआ कि ये सारी व्यवस्था चल रहा है? मध्य प्रदेश की सरकार जब आई, पहले कांग्रेस की सरकार प्रदेश के अंदर थी और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर आई तो उन्होंने क्षेत्र में छोटी छोटी डिस्पेंसरी खोलने का काम शुरू किया। जैसे रांझी उपनगरी क्षेत्र हैं, जितने भी उपनगरी क्षेत्र हैं, धारताल, ये अपने मरोताल के साइड ले लें, ग्वारीघाट साइड ले लें या अपना गढ़ा साइड ले लें, ये उपनगरी क्षेत्रों में भी छोटे छोटे अस्पताल उन्होंने खोल दिए। विक्टोरिया है, मेडिकल है, ये सब आप देखिए कि इनकी पहले से कितनी अच्छी व्यवस्था हुई है। पहले क्या था, विक्टोरिया में कहाँ कैसी दवाइयाँ मिलती थी, आप इससे भी साक्षी हैं। लेकिन धीरे धीरे पैमाना इसका बढ़ता गया, गुणवत्ता का स्तर बढ़ता गया,
तो इसलिए जब नगर निगम में ये जब मैंने मेरे पास राजस्व विभाग, मैं सच बोल रहा हूँ आपके सामने, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि राजस्व विभाग जब मेरे पास आया तो मैंने जब देखा कि जो डॉक्टर्स थे जिनको उस समय 50,000 महीने की पेमेंट मिलती थी, आप विश्वास नहीं करेंगे, उनके पास कोई काम नहीं था, वो डिस्पेंसरी में बैठते थे और वहाँ पर बैठ के सिर्फ सिग्नेचर करते थे और निकल जाते थे सर, ना दवाइयों के नाम पर कुछ नहीं था वहाँ पर। हमने एक बार उन सब की बैठक ली, हमने पूछा कि आप, बोले सरकार भाई साहब हमारे हॉस्पिटल में कोई आता ही नहीं है, आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी भी लोग, मैंने होम्योपैथिक शिविर, जो होम्योपैथिक में अच्छी दवाइयाँ हमारे पास थी नगर निगम में, हमने दवाइयाँ खरीद करके, मेरे आप लेटर पेड भी दे सकते हैं, मैंने दवाई खरीदी होम्योपैथिक में खरीदवाई और उन दवाइयों के गरीब बस्तियों में शिविर लगवाया मैंने, उसके बाद भी होम्योपैथिक कभी ट्रेड मार्केट में नहीं था, आम आदमी बस ले लेता है दवाई, एक दो दिन खाता है उसके बाद फेंक देता है। व्यवस्थित रूप से इसका संचालन मत जबलपुर नगर में हो नहीं पाया, तो मैंने ही उन डॉक्टरों को दो काम सौंपे, अधिकतर डॉक्टरों को मैंने संभागीय अधिकारी बना दिया, मैंने भाई साहब अब मैं संभागीय अधिकारी बना रहा हूँ आपको, मेरे पास राजस्व था, राजस्व में काम ही करने वाले लोग नहीं थे, तो मैंने उनसे कहा कि अब यहाँ पर बैठ कर आपको डिस्पेंसरी भी चलानी है, लेकिन वो डिस्पेंसरी भी छोटी छोटी होम्योपैथिक की हमने बकेट बनाए वहाँ पर कार्यालय में, वहाँ दवाइयाँ भी रखी, लेकिन उस स्तर पर चल नहीं पाई। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, आप देखिए पहले कहाँ जबलपुर मेडिकल में कुछ घुसता नहीं था, आज मेडिकल में लोग मेडिकल में जाने की और विक्टोरिया में जाने की होड़ लगी रहती है, आपने देखा कि भरा रहता है मेडिकल, क्योंकि दवाइयाँ भी अच्छी हैं, डॉक्टर्स भी अच्छे हैं और अच्छी सेवाएँ भी दे रहे हैं। नगर निगम की डिस्पेंसरीज में भी आना चाहिए, देखिए अब वो नहीं, काम नगर निगम का काम ही ऐसा है व्यक्ति को स्वस्थ रखना, और हम लोग को ईश्वर का आशीर्वाद मिला, आप लोग की शुभकामना मिली, तो जरूर है कि स्वस्थ बनाएंगे जबलपुर शहर को, डॉक्टर अच्छी व्यवस्था लाएंगे। मैं अभी राकेश ने संगठन की बात की, पिछले कुछ माहों से सरकार तो है नहीं नगर सत्ता में, प्रशासक बैठे हुए हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, तो मैं ये प्रश्न ये है कि संगठन का कितना दबाव है अभी शहर के विकास में नगर निगम पर, वो क्या ऐसा दबाव बना रही है कि उस मद में काम करे, उस दिशा में काम करे? संगठन दबाव नहीं देता, संगठन तो सिर्फ निवेदन करता है, हमारा काम है संगठन के संगठन चलाना, सत्ता का काम है सत्ता का पक्ष का काम करना, जनता का काम करना, लेकिन कहीं हद तक कहीं छोटी छोटी घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं तो संगठन अपना निवेदन करता है, इससे ज़्यादा संगठन का कोई दबाव सत्ता पर पक्ष पर नहीं होता है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारियाँ अलग है, संगठन की जिम्मेदारियाँ अलग होती हैं, संगठन अपने काम करता है, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करता है, सत्ता पक्ष का काम है, ये प्रभाव एक सी सत्ता पक्ष की पार्टी है, उसका क्या जिम्मेदारी है कि नगर विकास की सहयोग के लिए? जिम्मेदारी ये है कि कहीं छोटी मोटी, मैंने कहा कि घटनाएं होती हैं, कहीं ऊंच नीच होती, कहीं कमियां होती हैं, उस कमियों को सुधार करने के लिए निवेदन करता है बस, वो प्रेशर नहीं डाल सकता, हम अपने ही लोगों पर प्रेशर नहीं डाल, क्योंकि वो क्षमतावान लोगों को वहाँ पर बिठाया हुआ है, अगर वही कहेंगे हम ही पर प्रेशर डालें तो फिर हमको बिठाएगा कि हमको ले जाइए ऐसे उठा के, इसलिए संगठन कभी भी सत्ता पक्ष पे हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं करता, निवेदन करता है कि भाई ये गलत है, इसमें सुधार कर लीजिए, तो वो भी निवेदन स्वीकार करते हैं, सुधार कर लेते हैं। वर्तमान के 8 माह के नगर निगम के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं प्रशासन? देखिए आठ महीने में मैं समझता हूँ नगर निगम के उन कर्मचारियों ने बहुत काम किया है, और कोविड जैसे मैं तो अपनी घर की सामने जो साड़े झाड़ू लगाने वाली बहन थी उसको देखा कि मैंने वो पूरे 8 महीने के अंदर उसने एक आध दो छुट्टियों में या त्योहारों में नहीं आई होगी, वो 8 महीने जब मार्च से लेकर अभी तक बीमार भी रही, उसके बाद भी उसने स्वच्छता पर ध्यान दिया और हमारी गलियों को साफ करती, तो मैं एक व्यक्ति समझ जाता हूँ कि पूरे जबलपुर में जो सफाई क्षेत्र में कर्मचारी कर रहे हैं काम, समय समय पर लोगों को मास्क बांटे उन्होंने, बहुत अच्छा काम नगर निगम किया है, और नगर निगम ने अपने जैसे भंडारे लगाए थे उसमें भी अच्छा काम किया कि लोगों को खाना उपलब्ध कराया, घर घर तक पहुंचाया जो गरीब बस्तियां थी, और इससे ज़्यादा नगर निगम क्या करेगी? एक और पिछले जितने भी हमारे मेहमान आए हैं विकास प्रवीजन रखने वाले जब बैठे, बहुत सारी बात निकल के आई है कि सत्ता और विपक्ष का कोलैबोरेशन नहीं होता है, इसलिए हम पिछड़े हुए हैं। इंदौर का जो उदाहरण देते हैं या भोपाल का देते हैं, एक हो जाते हैं, अगर कोई प्रोजेक्ट है किसी बात बन रहा है तो सत्ता हो चाहे विपक्ष, वो अपने हितों को छोड़कर इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ ऐसा नहीं है इसका। ये सिर्फ सदन के अंदर बोलने की बातें हैं, सदन के बाहर सब मित्र ही होते हैं, आपने भी देखा होगा मेरे चैम्बर में आप भी आए हैं, लेकिन मेरे साथ कांग्रेस के पार्षद भी बैठते थे और भाजपा की पार्षद बैठते थे, और मैं पहले समन्वय बनाता था किसी विषय पर, उसके बाद सदन के अंदर जाता था, हमारी बैठकें आसानी से होती थी, शांति से होती थी और अच्छे कामों के निपट जाती थी,
समन्वय बनाना तो हम सबके हाथ में है ना, हम ही समन्वय बनाते हैं और हम ही वहाँ विरोध करते हैं। तो बाहर सब मित्रता होती है, अनौपचारिक रूप से भी बैठकर सत्ता पक्ष और विपक्ष को ऐसी विकास के संबंधित बात करना चाहिए। हम औपचारिक बातें तो सदन के अंदर करते ही हैं, विषयों को लेकर बातचीत करते हैं, और उसमें चूंकि संगठन का सब पर दबाव रहता है, कांग्रेस का दबाव रहता है तुम भाजपा को गिराओ, कांग्रेस का रहता है कि भाजपा का रहता है कि तुम सत्ता पक्ष को विपक्ष को दबाओ, ये तो वो सदन की लीलाएँ हैं, वो जिंदगी भर चलती रहेंगी। लेकिन सदन से बाहर आने के बाद कोई किसी के कामों को नहीं रोकता। कांग्रेस के पार्षद ने भी महापौर से कहा है कि ये सड़क बहुत आवश्यक है, जनता की मांग है, डिमांड, तो महापौर ने वो सड़कें बनाई हैं, नालियाँ बनाई हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि सत्ता पक्ष और विपक्ष, सिर्फ सदन की मर्यादा रहती है और उनके संगठन की मर्यादा, वो वहाँ पर इसलिए वो अपने पक्ष रखने के लिए वहाँ पर बहस करते हैं, इस बाकी सब मैं समझता हूँ समान स्थिति रहती है। एक बात और थोड़ा उसी में आना चाहेंगे कि आपने कहा कि अधिकारियों ने ताकत अपने हाथ में कर ली है और परिषद को कम दिए हैं अधिकार, इस पर कभी बात होगी? इससे तो विकास पिछड़ जाएगा अगर ऐसा होगा, मनमानी करेंगे, मैंने सबसे शुरू में एक बात कही थी कि मेरा काम इस नगर में कुछ नहीं है, ना मेरे रिश्तेदारों का काम है, मेरा काम तो है जनता का काम कराना, और उसके लिए उस व्यक्ति से भी समन्वय बिठाना पड़ेगा जो टेढ़ा है, उसको भी ठीक करना पड़ेगा, और समन्वय तो मेरे को बिठाना ही पड़ेगा क्योंकि वो लंबे समय तक काम करता है, मुझे सिर्फ 5 साल में काम करने का मौका मिलता है। लेकिन जैसे ही मैं उस पद पर हटता हूँ, आज भी मैं नगर निगम में पार्षद नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक भी अधिकारी मैंने किसी को फ़ोन लगाया हो और उसने मेरा काम ना किया हो, मैंने किसी को भेजा हो और उसका काम ना किया हो, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। तो उसके लिए समन्वय आवश्यक है, हम आपस की ईगो छोड़ दें और बहुत शानदार विकास हो सकता है। जबलपुर के अधिकारी बहुत सक्षम अधिकारी हैं और बहुत भाग हैं, उनको सब छोटी बातें बातों का नॉलेज है, इसलिए बैठ कर ही कोई बात को हल किया जाता। अब ये समझें कि अपन अगर वो उन्होंने अपने आप पावर को बहुत अपने अधिकृत कर लिया, तो मैं समझता हूँ ये हम लोग की आपस की कमियाँ हैं, हमारे पास जो पावर है वो शायद उनके पास नहीं होगा, हमारे 5 साल का पावर वर्षों तक रहेगा। एक छोटी सी उदाहरण देके हम विकास का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, सही है या गलत है। छोटी लाल फाटक से ग्वारी घाट तक डिवाइडर बना, रानीताल से लेके दमोना तक डिवाइडर बना, उसमें पेड़ पौधे नहीं लगे, डिवाइडर बना जबकि पर्याप्त जगह थी लग सकते लेकिन अब जिस 3 पत्ती पर आपने हटाए थे वहाँ छोटे छोटे चौराहे पर बना के आप पेड़ पौधे लगा रहे, ऐसे कई चौराहे, आपको लगता है इसमें कहीं कुछ गड़बड़ है, अच्छा है, खराब है, क्या है? देखिए, जिनने भी प्लान किया हो, जो नक्शा बनाया, मैंने क्या कहा आपको, ये छोटे छोटे प्लान बनाकर रास्ते निकालते हैं लोग अपने लिए, तो मैं भ्रष्टाचार से बहुत लड़ाई लड़ी मैंने, मैं टैक्स विभाग में बहुत मेरे से लोग डरते थे कि राजेश मिश्रा ना आ जाए हमारे ऑफिस में, नहीं तो आज तो गई कहानी, और हजारों लोग के मैंने पैसे वापस कराए होंगे जिनने गलत तरीके से, जिस तरीके से हम लोगों ने उस समय काम किया और इस जबलपुर शहर का राजस्व बढ़ाया, हर कसावट करके रखी, वैसा ही हर विभाग को अपने विभाग में कसावट करनी पड़ेगी कि अननेसरी जनता का पैसा वेस्ट ना हो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से व्यक्ति अपनी पाई पाई जोड़कर नगर निगम में जमा करता है, अगर उसके पैसे अगर हमने बर्बाद कर दिए तो फिर वो, क्योंकि कोई चीज़ एक बार टूटती है, दो बार टूटती है, 3 बार टूटती है तो लोगों की नज़रों में आ जाता है। मैं समझता हूँ वो चौराहा 3 बार टूट चुका है, पहले मुकेश राठौर जी ने वो चौराहा तोड़ा था, मुझे अच्छे से याद है, उससे मना किया गया था इसको वैसे ही रहने दो, उसको थोड़ा सा उताई उताई करके इसको ठीक करिए, उसको तोड़ा, फिर तोड़ा, 3 बार 4 बार टूट के वो आज वो ख़त्म भी हो गया और अब उस पर नया कंस्ट्रक्शन हो गया, छोटे छोटे से तो उसके आने जाने के रास्ते बना दिए गए, तो ये विकास अच्छा नहीं है। प्लान किया जाए तो 50 वर्षों का प्लान किया जाए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियाँ बार बार इसी विकास को तोड़कर विकास ना देखें, कुछ अच्छा देखें, कुछ उनको लगे कि जबलपुर से, हम जबलपुर में रहते हैं, वैसे संस्कारधानी है, यहाँ से सभी लोग जाते हैं तो ये जिंदगी भर याद करते हैं, तो विकास को भी जबलपुर के याद रखें। एक निवेदन और है कि जल 2 प्रकार का है, एक जो हम घरों में दे रहे हैं, एक वो जो घरों से बाहर निकल रहा है, घरों से जो बाहर निकल रहा है वो अशुद्ध जल है, लेकिन उस जल का भी ट्रीटमेंट करके हम उसको सिंचाई के लिए या दूसरे कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो शुद्ध जल का प्रयोग वहाँ पर हो रहा है उसको हम बचा सकते हैं, इस पर कोई परियोजना लाई जा सकती है? इस पर काम हुआ भी है, इसमें बना भी है प्रोजेक्ट, एक गौरी घाट में बना हुआ है और एक अपना
कठौंदा के पास बनने का प्लान भी था, लेकिन इसका उपयोग करना चाहिए। दूसरी नगर निगम कर रही हैं, आप सोचिए कि दिल्ली की नगर निगम वर्षों से उसका पानी लोगों को पिला रही है, मुंबई की नगर निगम उसी गटर के पानी को साफ कर कर पानी दे रही है, उपयोग कर रही है उसका, तो हम भी कर सकते हैं। रिसाइकलिंग, हाँ, रिसाइकलिंग कर रही है और दे रही है, उपयोग कर रही है, उसको भी ज़्यादा प्योरीफाई कर देते हैं पानी का, तो जो उनकी हाँ लेवल मेंटेन करना, उसका बाकी कुछ नहीं है। कॉफ़ी हाउस विचार मंच में कार्यक्रम चर्चा चौक हमारे चैनल पर एक बहुत सार्थक चर्चा हुई। नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष राजेश मिश्रा जी हमारे साथ थे, वरिष्ठ भाजपा नेता, और उनकी संकल्पना है कि वो एक नई विचार से नई परिदृश्य में हमारे शहर को ले जाएंगे, और हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी तो जबलपुर का पर्यावरण भी ठीक होगा, शिक्षा स्वास्थ्य सब बेहतर होगा। सिर्फ एक बात यह कि कामयाबी खुद तुम्हारे पाँव पर झुक जाएगी, हौसलों की हाथ में पतवार लेकर देखिए। अगली बार हम फिर एक नई शख्सियत के साथ होंगे जबलपुर शहर के विकास पर। हमारी एक परंपरा है, दो मिनट का हम सम्मान के लिए और समय चाहते हैं मिश्रा जी से। आप मैंने 2000 पेड़ मेरे मोहल्ले में, एक पेड़ पूरी मोहल्ले के अंदर मैंने पेड़ लगा, 10 गलियों में पेड़ लगा डाले, ये सब कुछ कर सकते हैं। एक मेहमान का छोटा सा सम्मान। उपाध्याय शरदचंद जी उपाध्याय हमारे पर्यावरण का, ठीक है, एक और अच्छी चर्चा है कम से कम। राकेश आएगा, आ जाओ बिछ रही आइए। मंच के माध्यम से आप सब लोगों के विचार जानने की कोशिश करें। बड़ी बेबाकी से आपने बोला है कि पैसों का रोटेशन ही विकास है, विकास की कोई संकल्पना है नहीं इसमें। नहीं, मिलकर काम करेंगे तो शहर आगे बढ़ेगा, हम सब लोग उम्मीद पर। तो ये चर्चा चौक के विशेष कार्यक्रम कॉफी हाउस विचार मंच पर अभी अपने विचार शहर के डेवलपमेंट को लेकर राजेश मिश्रा व्यक्त कर रहे थे। बहुत ही ऑनेस्टली, बहुत ही ईमानदारी से उन्होंने बताया कि हमारे अधिकार कम किए गए हैं नेताओं के, ब्यूरोक्रेट्स ने अपने हाथ में पावर रख लिए हैं और पैसों का रोटेशन कर रहे हैं, उन्हें शहर से मोहब्बत नहीं है, इस तरह से ये विकास चल रहा है जिसको तोड़ने की आवश्यकता है। जब ये टूटेगा तो शहर की स्थानीयता के हिसाब से विकास हो पाएगा। चर्चा चौक के विशेष कार्यक्रम में आज इतना ही, अगले शनिवार को फिर किसी विशेष मेहमान से आपके साथ मुलाकात होगी, उसके विचार जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। प्रदीप कहाँ लाऊंगा पैसा?